हेलो फ्रेंड, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका फ्रेंड आकाश कतूरी, आपका होस्ट, और आप देख रहे हैं चैनल एक्सप्लोर एंड मोर। तो लास्ट व्लॉग मैंने आप लोगों से बात करी थी कि r15 v3 आप लोग क्यों खरीदे, क्या है इसकी खासियत, क्या है इसके प्लस पॉइंट्स। तो आज मैं इसके नेगेटिव पॉइंट्स को लेकर बात करूंगा कि इसमें क्या थोड़ी बहुत कमियां हैं जिसके कारण कुछ लोग अपना मूड चेंज कर सकते हैं इसको बुक कराने से पहले, इसे परचेज करने से पहले। तो अगर आपको चैनल पर आप लोग नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, एक्सप्लोर एंड मोर पर रेड कलर का नीचे सब्सक्राइब लिखा आएगा उसको ज़रूर प्रेस कर देना, बेल आइकन भी प्रेस करना, क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब कम करते हो, वीडियोज़ आपको कम नोटिफिकेशन मिल पाती है। मैंने देखा है अपनी रेशियो के हिसाब से कि बहुत कम लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं, वीडियोस काफ़ी देख रहे हैं, प्यार दे रहे हैं, लेकिन चैनल सब्सक्राइब बहुत कम लोग कर रहे हैं। तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस कर देना। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस बाइक का जो सबसे नेगेटिव पॉइंट है वो है इसका ABS ना होना। इसके अंदर डबल डिस्क दी है, मतलब बैक भी डिस्क है, फ्रंट भी डिस्क है, बट इसके अंदर ABS नहीं दिया गया। तो इस वजह से काफ़ी लोग कहते हैं कि यार, मतलब 1.5 लाख के करीब 1.50 लाख की बाइक है ये, और तब भी मतलब इसके अंदर ABS नहीं दिए, क्योंकि इसका पिकअप अच्छा है, माइलेज अच्छी है, इसको स्पीड में चलाते हैं सब, और ABS ना होने के कारण इस बाइक की परफॉर्मेंस थोड़ी सी बेकार हो जाती है। सेकंड, हम इसके नेगेटिव पॉइंट की बात करते हैं। इसके अंदर LED लाइट्स दी गई हैं जो बहुत अच्छा लुक देती हैं, लेकिन इसका जो फोकस है मतलब बिल्कुल भी वाइड नहीं है। अगर आप हाईवे राइड करते हैं और अगर आप नाइट में राइड कर रहे हैं तो इसका जो फोकस है वो एक ही जगह रहता है, मतलब वाइड एंगल नहीं है, और उसकी वजह से मतलब LED का क्या बेनिफिट है मुझे तो ये समझ नहीं आया। पहले वाली R15 में इससे बेटर लाइट्स थी, तो मुझे इसका ये नेगेटिव पॉइंट लगा है। आप लोग कमेंट कर ज़रूर बताना कि आपको लाइट्स कैसी लगती हैं। इसकी लुक अच्छी है, बट ये बताना कि इसका फोकस कैसा लगता है आप लोगों को। फ्रेंड्स, मैंने इस बाइक को अभी तक जितना भी राइड करा, मैं आपसे बात कर रहा हूँ थर्ड नेगेटिव पॉइंट की, मैंने इस बाइक को अभी तक जितना भी राइड करा है, मैंने इसका कई बार एक टेस्ट करा है कि अगर हम इसमें दोनों हाथ छोड़ देते हैं या फिर मतलब हल्का सा इसे पकड़ते हैं तो बाइक लेफ्ट साइड जाती है, मतलब 80-100 पर है तो ये मतलब स्ट्रेट नहीं चल के ये लेफ्ट साइड को हल्का हल्का जाती है, मूव करती है, और ये मुझे इसका एक नेगेटिव पॉइंट लगा, क्योंकि कईयों के लिए ये काफ़ी बड़ा पॉइंट भी हो सकता है और कईयों के लिए इसको नॉर्मल भी समझा जा सकता है। अब हम बात करेंगे फोर्थ नेगेटिव पॉइंट, जो कि एक बहुत मेजर इशू है जिसका अभी तक यामा ने मतलब सॉल्यूशन कई बार दिया है, बट एक परमानेंट सॉल्यूशन अभी तक इसका कुछ नहीं दिया गया है। तो मैं बात कर रहा हूँ इसके टैंक क्वालिटी की। जैसा कि मैंने अपने काफ़ी व्लॉग में भी आपको दिखाया कि इसका टैंक ओपन हो जाता है, सभी बाइक्स में नहीं होता बट 40% बाइक्स में हो जाता है, जब कोई पिलियन इस पर वेट डालता है अपने हैंड से या अगर हमारा भी वेट इस पर जाता है तो इसका लेफ्ट साइड या राइट साइड, वैसे ज़्यादातर राइट साइड इसका ओपन हो रहा है, जो कि मतलब काफ़ी मेजर इशू है, अभी तक सॉल्व हो जाना चाहिए था, बट पता नहीं यामा की तरफ से अभी तक इसमें रिस्पॉन्स क्यों नहीं दिया गया है। तो ये इसका फोर्थ और मेजर इशू था, मेजर नेगेटिव पॉइंट था। इस कमी को दूर करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये चार मतलब पॉइंट्स को आप फॉरगेट करते हो, बिल्कुल ध्यान नहीं देते हो, तो आप ये बाइक बिल्कुल परचेज कर सकते हो, आपके लिए बहुत अच्छी बाइक है। लेकिन अगर आप इन पॉइंट्स में से किसी भी पॉइंट को अगर आप मेजर समझते हैं तो शायद आप अपना प्लान चेंज कर देंगे इस बाइक को लेने का। तो मुझे यही इसके नेगेटिव पॉइंट्स मिले। लास्ट व्लॉग मैंने आपको दिखा दिया था कि इसके प्लस पॉइंट्स क्या हैं, तो आप वो भी ज़रूर देखना, उसका लिंक भी मैं दे दूंगा और डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में आप देख सकते हैं। तो बाकी सब मैंने आपको क्लियर कर दिया है। अभी के लिए व्लॉग में इतना ही है, नेक्स्ट व्लॉग में देखते हैं अभी क्या मैं आपके लिए लेकर आता हूँ कुछ अच्छा सा। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को अगर आप नए हो, और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि अब आप बाइक परचेज करने वाले हो या नहीं करने वाले हो, कौन सा कलर लोगे, कब लोगे, जो भी हो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो मिलता हूँ मैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में। नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, बाय बाय।